राजेश ला सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एक बार फिर SC ST एक्ट 1989, जिसको एट्रोसिटी एक्ट 1989 के नाम से भी जाना जाता है, इस अधिनियम के तहत क्या 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति पर FIR हो सकता है या नहीं, यानी क्या किसी ऐसे व्यक्तियों पर, ऐसे बच्चों पे या बालकों पे जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम आयु का है, जिसको माइनर कहा गया है, हिंदी में अवयस्क कहा गया है, क्या उस पर SC ST एक्ट का मुकदमा दर्ज कराया जा सकता है या नहीं, इसी विषय पे यहाँ चर्चा की जाएगी। जैसा कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, हर एक वीडियो में बात रिपीट करता रहता हूँ कि हमारे यहाँ जो बच्चे LLB करने के लिए सोच रहे हैं, LLB कर रहे हैं या कर चुके हैं, या जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तैयारी की फील्ड में आना चाहते हैं, न्यायिक सेवा की तैयारी करना चाहते हैं, वो इस नंबर पे संपर्क करके अपनी सुविधा अनुसार क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे यहाँ चैनल पे वीडियो अपलोड करने के साथ साथ PCSJ की, APO और HJS की तैयारी भी कराई जाती है, उसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार के क्लास की सुविधा उपलब्ध है। तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, अपनी जानकारी जो है, अपनी जानकारी अनुसार जो अपनी सुविधा अनुसार क्लास ज्वाइन करके आप जो है अपनी तैयारी को सफल बना सकते हैं। आइए हम लोग ये चर्चा करते हैं कि क्या माइनर व्यक्ति पे, माइनर का मतलब यहाँ है जिसकी उम्र 18 से कम हो, उस पे SC ST एक्ट का मुकदमा दर्ज कराया जा सकता है या नहीं। चलिए अब यहाँ पे प्रश्न देखिए, माइनर बच्चा यानी 18 वर्ष से कम आयु का बच्चा भी किसी SC ST को मार सकता है, गाली दे सकता है, उसके संपत्ति की तोड़फोड़ नुकसान कर सकता है, ठीक। तो अब यहाँ पे कुछ चीज़ों को आपको समझना होगा, धैर्य से आप लोग स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझेगा, मैं सारी बातों को यहाँ क्लियर कर दूंगा। एक IPC जिसको इंडियन पैनल कोड कहा जाता है, हिंदी में भारतीय दंड संहिता कहा जाता है, FIR की कॉपी पे भादा सा लिखा होता है, ठीक है। उसकी धारा 82 कहती है कि जिस बच्चे की उम्र 7 वर्ष या उससे कम है, 7 वर्ष एग्जैक्ट है या उससे कम है, वो व्यक्ति अपराध करने के लिए अक्षम माना गया है। यानी अगर कभी भी 7 वर्ष या उससे कम आयु का कोई बालक किसी को मार दे, गाली दे दे, गाली गलौज कर दे, संपत्ति तोड़ फोड़ कर दे, कुछ चुभा दे, या किसी तरह का कोई अपराध करे, जाति सूचक गाली दे, कुछ भी करे, तो वो अपराध नहीं करता है, ये माना जाएगा और उस पर मुकदमा नहीं दर्ज कराया जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर थाने के भारसाधक अधिकारी को पता चल गया कि उसकी उम्र 7 वर्ष से कम है, तो उस पर FIR दर्ज नहीं होगी, माना जाता है वो अबोध बालक है, वो अपराध करने के लिए सक्षम नहीं है। अगर ऐसे व्यक्ति की उम्र, ठीक है, अगर बच्चे की उम्र 7 वर्ष से अधिक है, यानी 7+ है, किंतु 12 वर्ष तक है, कितना है, 7+ यानी 7 वर्ष से अधिक है लेकिन 12 वर्ष से ज़्यादा नहीं है, 7+, ठीक है, बट नॉट 12, ठीक है, यू नॉट मोर देन 12, यानी 12 वर्ष से अधिक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में भी उस पर FIR दर्ज होगी कि नहीं दर्ज होगी। तो FIR तो मान ले कि दर्ज हो भी सकता है, लेकिन अगर वो कोर्ट में ये बात साबित कर दे कि जिस समय उसने ये अपराध किया है, उस समय इस उम्र के कारण, यानी 7 वर्ष से अधिक किंतु 12 वर्ष से कम उम्र के कारण, अब उस कार्य के प्रकृति या परिणाम को, या जो कुछ वो कर रहा है वो, ठीक है, प्रकृति के अनुकूल नहीं, यानी प्रतिकूल है, जानने में असमर्थ था, यानी उस कार्य की प्रकृति को नहीं समझ रहा था, अगर वो ये साबित कर दे, दो चीज़ें साबित करनी होंगी, एक तो उसकी उम्र 7 से अधिक है किंतु 12 वर्ष से ज़्यादा नहीं है, ठीक है, और दूसरी बात साबित करनी होगी कि जिस समय उसने वो कार्य किया है, गाली गलौज, मारपीट, झगड़ा के या संपत्ति की तोड़फोड़ किया है, उस समय वो उस कार्य की प्रकृति या परिणाम को समझने में असमर्थ था, तो उस पर भी FIR दर्ज नहीं की जाएगी, और दर्ज कर भी ली गई तो बाद में कोर्ट से ख़त्म हो जाएगा मामला। तो कुल मिलाकर के आपने क्या देखा कि 7 से अधिक और 12 वर्ष तक का कोई बच्चा है या उससे कम, तो उस पर इस धारा के तहत मुकदमा नहीं दर्ज कराया जाएगा। अगर दर्ज हो भी गया, ठीक है, तो उसका कोई मतलब नहीं है, बाद में वो कोर्ट से केस ख़त्म हो जाएगा। अब ये एज कैसे निर्धारित किया जाएगा, इस एज का निर्धारण
किसी भी सर्टिफिकेट से हो सकता है, बस कोई ऐसा सर्टिफिकेट, ऐसा कागजात ना हो जिसमें दो कंट्रेरी बातें, दो विपरीत बातें लिखी हुई हों। अगर कोई कॉलेज का सर्टिफिकेट है तो अति उत्तम है, नहीं तो फिर आधार कार्ड हो गया या कोई अदर अथॉरिटी के द्वारा जारी किया गया सर्टिफिकेट, या नहीं होगा तो फिर लास्ट में जो है उसका परीक्षण कराया जाएगा और उससे पता लगाया जाएगा कि उसकी उम्र क्या रही होगी उस समय। अगर वो 12 वर्ष से अधिक है, ध्यान दीजिएगा, अगर वो 12 वर्ष से अधिक है, ठीक है, और 18 साल से कम है, तो माना जाता है वो अपराध करने के लिए सक्षम है। और ऐसी स्थिति में अगर वो व्यक्ति अपराध करता है, ठीक है, अगर ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति अपराध करता है तो उस पर मुकदमा जरूर दर्ज कराया जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। यानी इस एक्ट के तहत ऐसे व्यक्ति पर जो 12 वर्ष से अधिक उम्र हो और 18 वर्ष से कम हो, उस पर तो मुकदमा ज़रूर दर्ज कराया जा सकता है। और जो उससे ऊपर हैं, 18 से ऊपर हैं, उन पर तो मुकदमा दर्ज ही होगा। अगर उन्होंने SC/ST एक्ट के तहत कोई अपराध किया है तो ऑलरेडी उन पर मुकदमा दर्ज होगा, जब तक वो साबित ना कर दें कि वो पागल थे। अगर वो साबित कर देते हैं कि वो पागल थे तो फिर उस मुकदमा उन पर अगर दर्ज भी हो गया तो बाद में कोर्ट से ख़त्म हो जाता है। लेकिन हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति पे। अगर 18 वर्ष से कम है लेकिन 12 से ऊपर है तो मुकदमा तो दर्ज हो जाएगा उस पर, लेकिन उसका ट्रायल जो है, जो SC/ST कोर्ट है, उस कोर्ट में नहीं किया जाएगा। इसके लिए अलग से प्रावधान है बालकों के लिए, जुवेनाइल कोर्ट जिसको आप लोग कहते हैं, ठीक है, JJ कोर्ट कहते हैं, जिसे किशोर न्याय बोर्ड कहा गया है। यहाँ पे क्या कहा गया है, किशोर न्याय बोर्ड कहा गया, इस कोर्ट में ट्रायल होगा। अब किशोर न्याय बोर्ड क्या होता है, इस पर भी मैं अलग से वीडियो बना के आप लोगों को समझाऊंगा। और किशोर न्याय बोर्ड में, ठीक है, बालक के लिए विशेष प्रावधान किया गया है, बहुत उसके हित की बात उसमें की गई है। और ऐसी स्थिति में सज़ा भी उसकी कम हो जाती है। SC/ST एक्ट के लगने पे जो सज़ा 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति को दी जाती है, वो सज़ा कभी भी 18 वर्ष से कम आयु के बालक को नहीं दी जा सकती। अगर उस पर अपराध बन रहा है तब भी नहीं दी जा सकती, क्योंकि उसके लिए अलग से किशोर न्याय बोर्ड बना हुआ है, अलग से उसकी सुनवाई होती है और वहाँ उसकी सज़ा कम कर दी जाती है। यहाँ तक उसको पुलिस कस्टडी में नहीं भेजा जाएगा, ठीक है, वो हवालात में नहीं भेजा जाता है, उसको जेल नहीं भेजा जाता है, अलग से सुधारालय गृह होता है, संरक्षण गृह होता है, वहाँ भेजा जाता है, उसकी देखरेख पे विशेष ध्यान रखा जाता है, उसे तुरंत जमानत पे छोड़ने का प्रावधान किया गया है कि उसे जमानत पे छोड़ दिया जाए। अगर नहीं भी छोड़ा जाता है तो उसे पुलिस हवालात में या उसे जेल में नहीं भेजा जाता है। और सज़ा भी जो लिखी है वो कम ही दी जाती है। तो इस तरह से आपने देखा कि 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के द्वारा अगर कोई अपराध किया गया है तो ऐसे व्यक्ति पे जो है कब मुकदमा SC/ST एक्ट का लगेगा, कब नहीं लगेगा, मैंने यहाँ 3 श्रेणी बना दी। 7 वर्ष से कम है तब क्या होगा, 7 से अधिक किंतु 12 से कम है तब क्या होगा, और 12 से अधिक किंतु 18 से कम है तब क्या होगा। आपने विधिवत इसको स्टेप बाय स्टेप समझा होगा। इसके बाद भी अगर कोई बात नहीं समझ में आई तो भी आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और जो है अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो चलिए, उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर कभी FIR थाने से दर्ज भी हो गया, क्योंकि थाने पे जो अथॉरिटी है दर्ज करने वाली उसको इतनी जानकारी नहीं भी होती है कानून की, तो बाद में मामला जब कोर्ट में जाएगा तो वहाँ से ख़त्म हो जाता है। जिन शर्तों को मैंने बताया है कि उसके द्वारा अपराध नहीं माना जाता, अगर FIR लॉज भी हो गई तो वहाँ से मामला समाप्त कर दिया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और अगर फर्जी उसे फंसा दिया गया है जानबूझ के, तब तो फिर जिसने FIR दर्ज करवाई है उसके लिए भी जहमत आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि उस पर फिर से मुकदमा चलाया जा सकता है, सिविल मुकदमा भी चलाया जा सकता है, क्रिमिनल मुकदमा भी चलाया जा सकता है। तो फर्जी केस तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और अगर सद्भाव में, गुड फेथ में, ठीक है, FIR लॉज भी हो गई है तो कोई दिक्कत नहीं है, भले खारिज हो जाए। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। और अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।